की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाँ, और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। मैं कहना चाहती हूँ उन मेरे मेहरबानों से जो यहाँ मौजूद हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नेम एंड ऑल ऑफ दैम। मामा, यू आर मोर देन यू नो अ फ्रेंड। बस मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। आपने जो कुछ मैं आज डिलीवर कर रही हूँ किसी भी फॉर्म में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड और पापा इज़ जस्ट माई फ्रेंड। और ऐसे फ्रेंड जिनसे जब तक मैं इवन अब इतनी बड़ी हो गई हूँ और और अभी तक मैं बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे मैं स्कूल से आती थी बैग रखा और सारी स्टोरी पापा को नहीं सुनाई तो आई कुडंट यू नो गेट रिलीफ, तो वो मैं जब तक अभी भी उनसे नहीं शेयर करूँ। और द इंफॉर्मेशन ही शेयर्स विद मी और जो वो गाइडलाइंस मुझे देते हैं वो मेरी ज़िंदगी में आज तक मेरे काम आ रही है। सो आई एम रियली थैंकफुल। Then alhamdulillah, I got so many colleagues here, and one of them, Akifa, you have been so kind to me. I can't tell you. आपने जो प्यार, जिस तरह से सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट एक अगर कॉलीग के साथ आपको मिल जाए तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाए तो you can be you know जो भी आज मैं कर रही हूँ उसमें अगर एक मॉरल सपोर्ट, एक अच्छी प्रोफेशनल गाइडेंस ना मिले तो you can't do that. And then definitely as मैंने उनको भी बताया था, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी में उनकी तहरीरों से पहले उनकी आशनाई हुई और फिर उसके बाद उनके कॉलम्स पर मैं जो रिस्पांस देती थी और उसकी रिस्पांस में जब मुझसे बातचीत हुई, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और लम्से हुदा को इनिशिएट करने में, जैसे वो कह रहे थे कि मैं मिस कर दिया था, वो इसीलिए बिकॉज मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी दैट आई थॉट कि नो, ये बस अब इसको कुछ नहीं करना, मैंने कहीं पब्लिश नहीं करना। एट दैट मोमेंट मैंने इसको छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर मैंने कहा कि जनाब सैयदा, जिस दिन आप चाहेंगी आई विल पब्लिश इट। और फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, इनकी मुबारकबाद दी किताब की, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपकी किताब का क्या बना। और फिर उसके बाद ही पुश्ड मी दैट यू शुड पब्लिश इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट इज़ हियर इन योर हैंड, इन माई हैंड। सो आई एम रियली ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू गाइज। आप सब की वजह से बहुत सारे मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल तय किए हैं, तो थैंक यू ऑल। और अली हुसैन होरा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मेरे बच्चे वो के बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ जो मैं इनसे सीख रही हूँ ज़िंदगी में। सो आप सब बहुत प्यारे हैं मुझे, और खुदा करे कि इसी तरह ये कारवां चलता रहे। और मैं इफ्तिखार अहमद साहब की बहुत मशहूर हूँ। मुझे याद है जब मैंने लास्ट डिस्कशन इनसे किया तो जिस बात पर ये तैयार हुए, आमादा हुए इस लैब को लिखने के लिए, वो ममा पापा का रेफरेंस था। आई टोल्ड हिम कि हमारे यहाँ एक रिवायत है और आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी होगी कि जैसे ही कोई बड़ा आता है तो ममा कहती थी कि बस खड़े हो जाओ, उसको सलाम करो। तो मैंने कहा बिकॉज आप इस फील्ड के बड़े हैं, आई कैन नॉट लाइक मैं किसी और से नहीं लिख पा सकती, यू हैव टू बी, आपको ही लिखना है। और ये मोमेंट था जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उनके दिल में वालिदैन की कितनी मोहब्बत है, अहले बैत की कितनी मोहब्बत है। और उसके बाद इन्होंने लिखा। और एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर कि वो जो कनेक्शन की बात कर रहे थे अजीज़ साहिब साहब, मैं उस दिन आकिफा से बात कर रही थी और मैं खुशी से मैं हो रही थी कि इफ्तिखार साहब ने लिख दिया है। और मैंने उन्हें कहा कि आज कनेक्शन बन गया, आज बीबी ने उनके ऊपर करम किया और उन्होंने मुझे लिख दिया। तो उसी वक्त ही उनकी दो सतरें और आई मेरे पास, और जिसपे स्पेशली आई वांट टू रीड देम कि वो पूरा मुझे फ्लैप दे चुके थे। ये सतरें उन्होंने मुझे अलग से भेजी और उन्होंने कहा कि इनको ऐड करें। और वो सतरें थीं कि यकीन किया जाना चाहिए कि दुनिया और आखिरत में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मखदूमा-ए कौनैन सैयदा ज़नाने आलम की बारगाह आलिया में नजर इखलास और मवद्दत बारियाब होगी इंशाल्लाह। एट द सेम मोमेंट मैं आकिफा से कह रही थी कि बीबी ने कोई ख़ास कर्म किया और उसी वक्त ही ये लाइन आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ऑफ कोर्स ये लिंक्स हैं जो हमेशा हम सब के दिलों में जो मोहब्बत है। अब यहाँ आप सब बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि अहले बैत के लिए जब मोहब्बत है आपके दिल में तब आप उस जगह पर आ सकते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और अब मैं आपको अपना कलाम सुनाना चाहूँगी। मोबाइल कहाँ है? यानी किताब हमारे लिए, आपके लिए अभी तक मोबाइल है। नहीं, वो उसमें से भी सुनाऊंगी। ये दरअसल मैंने 2 दिन पहले लिखी है जनाब सैदा के लिए। मैं ये समझती हूँ शी इज़ माई लाइफ लाइन, और मेरा कोशिश थी कि मैं कुछ ऐसे दिन जिनमें जो उनके दिन हैं, जो जिसकी मुनासिबत से समझे जाते हैं उनके दिन, तो उनके दिनों में मेरी किताब पब्लिश हो या उसी रेफरेंस में आए। तो पहले मैं मुहर्रम सोचती रही, लेकिन वो बीबी के दिन ही थे, यानी बीबी के विलादत के दिन। बीबी की शहादत के अय्याम में मेरी किताब पब्लिश हुई और बीबी की विलादत के अय्याम में ये लोगों के हाथों में आई। सो आजकल बीबी के अय्याम है, तो मैंने एक कलाम उनके लिए लिखा था। मैं वो चाहूँगी कि पहले वो इंशाल्लाह के पढ़ूँ। आई होप कि ये जज्बे सिर्फ मेरे नहीं हैं, आप सब भी उनके लिए ऐसे ही फील करते हैं। सैदा के आने से हर तरफ सुहाने से दिल सजाए जाते हैं, धड़कनों पे कौसर के गुल लगाए जाते हैं, मोतियों सी आँखों के फातमी जहाँ भर के कुमकुमे सजाते हैं। सैदा के आने से, सैदा के आने से धड़कनों की माला भी हार रोशनियों के सैदा के मिंबर पर हाँ दरूद पढ़ पढ़ कर भी सजाए जाते हैं। देखने नबी मौला खुद जिना से आते हैं। सैदा के आने से, सैदा के आने से कब्ज़े रूह खुलता है, रोशनी से धुलता है, तंगुबे करी खाना नफ्स का भी धुलता है, जन्नती सवेरों में ये जहान धुलता है। सैदा के आने से, सैदा के आने से रौनकें जहाँ भर में, नूर नूर हर घर में, मुस्तफ़ा के चेहरे पर जो खुशी की लहरें हैं, मौज मौज देखोगे आशिकों के महवर में, इश्क के समंदर में। सैदा के आने से, सैदा के आने से तीरगी के सब बादल सब झटक से जाते हैं, बातिला ने आवारा सब भटक से जाते हैं, गुंचाए वफा कितने फिर चिटक से जाते हैं, आशिकों के परवाने कदर के लिफाफों में एक एक पत्ती से जैसे डाले जाते हैं, लेने इनको नामा बर खुद फलक से आते हैं। सैदा के आने से, जाम कल्ब पजमुर्दा नूर ज़ूफ़िशां लेकर फिर छलक से जाते हैं। सैदा के आने से, और ये मेरा फेवरेट है, इसमें मेरा नाम भी है इसलिए। सैदा के आने से अक़फ़ा किस तरह तेरी ज़िंदगी बामानी है, जो नशेब में गुज़री उसकी दास्तां कितनी अब हुई पुरानी है, अब फराज मन होगा फातमी जवानी है, अब ज़ुबान बस उनके ज़िक्र में हिलानी है, क्योंकि ज़िंदगी अपनी अब बड़ी सुहानी है। सैदा के आने से, ये एक पंजाबी का है, सिर्फ रुबाई समझ लीजिए इसको। इश्क दे नारे चंगे लगदे इश्क दी रीत सुहानी, इश्क दे नारे चंगे लगदे इश्क दी रीत सुहानी, हर कोई खुद नु आशिक मन्ने हर कोई मन्ने जानी, मौत दी अख विच अखियां पाके सजल मिलावन कीते, अकफा करबल वाले कीता इवें इश्क नु फानी। ये है वो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सेकंड पार्ट में से कुछ आजकल हम क्या चाहते हैं, उसमें पिछला करबला का भी रेफरेंस है कुछ हमारा। वो जिनकी हार नवीदे हया तो हस्ती हो, वो जीतने के लिए वक्ती हार चाहते हैं, हाँ बहते पानियों में बह गई है माँ जिनकी, हाँ बहते पानियों में बह गई है माँ जिनकी, वो तुमसे थोड़ा सा वक्ती दुलार चाहते हैं, ये सारा दिन की मुशक्क़त से कुछ कमाते हैं, ये सारा दिन की मुशक्क़त से कुछ कमाते हैं, शरफ़ निगाह में तुमसे जमार चाहते हैं, लुटे पुटे हुए ख़ेमों में कितने इंसान हैं। ये सारा भी जो फ्लड के दिनों के कहानियाँ मेरे दिल में थीं। लुटे पुटे हुए ख़ेमों में कितने इंसान हैं, कहाँ से आए हैं क्या क़ल्बेज़ार चाहते हैं, ये कामदार भी तज़लील व क़त्ल नफ्स से तंग, ये कामदार भी तज़लील व क़त्ल नफ्स से तंग, जो एक पल में ही मारे उधार चाहते हैं, वो जिसने ग़ुरबत साइल मिटा दी पल भर में, वो जिसने ग़ुरबत साइल मिटा दी पल भर में, हाँ अक़फ़ा लोग भी वैसा ही हार चाहते हैं, अखफा लोग भी वैसा ही हाल चाहते हैं। थैंक यू सो मच।